भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार यानी कि 29 अगस्त को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर एक टिप्पणी की थी। इसको लेकर बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया था। इसे शशि थरूर ने कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2020 को आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और अंतरिम आदेश को रद्द भी किया था। साथ ही पक्षों को 10 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। जस्टिस अनूप कुमार मैदिरत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा, कार्यवाही रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। 2018 में बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए कांग्रेस सांसद ने कथित तौर पर एक अनाम आरएसएस सूत्र का हवाला दिया, जिसने कथित तौर पर मोदी को शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने इसे असाधारण रूप से आकर्षक रूपक कहा।